Hi student, welcome to RCI Ajuham online classes. Class 12, agriculture, subject biology, topic खपरा भरंग, खपरा बीटल। खपरा भरंग जो होता है ये भंडार ग्रहों में लगता है। भंडार ग्रह जो होते हैं जिसमें अनाज को भंडारित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वहां पर उन भंडार ग्रहों के अंदर ये अनाज को नुकसान पहुंचाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका गण जो होता है कोलियोप्टेरा होता है, कोलियोप्टेरा, कुल डर्मेस्टिडी, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण, जिसमें वैज्ञानिक नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम गण कोलियोप्टेरा कुल डर्मेस्टिडी। खपरा भ्रम जो होता है इसका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल वो भारत है, यानी कि सबसे पहले ये कहां पर उत्पन्न हुआ, कहां पर दिखाई दिया, वहां पर ये सबसे पहले भारत में है। और इसकी उपस्थिति जो होती है वो भारत में और भारत के आसपास के जो देश हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उपस्थिति में भारत, पाकिस्तान, चीन, इसके अलावा अफ्रीका आदि जगह पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। खपरा भ्रम जो होता है इसका प्रकोप सर्वाधिक उस ऐसे स्थानों पर होता है जहां का टेम्परेचर जो है वो 32 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि टेम्परेचर जहां पर 32 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनका प्रकोप सर्वाधिक होता है। इसके बाद जो खपरा भ्रम होता है उसके लक्षण, लक्षण में इसका पूर्ण विकसित और विकसित जो प्रौढ़ होता है या भ्रंगक जो होता है जिसको बोलते हैं व्यस्क जो है उसको बोलते हैं भ्रंगक, वो कत्थई रंग का, उसका रंग जो है वो कत्थई होता है और कड़े काले बालों युक्त, बाल जो होते हैं वो काले होते हैं और कड़े होते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 4 mm होती है। इसके अलावा जो अभ्रक है प्रौढ़ अभ्रक, प्रौढ़ अभ्रक का मतलब अविकसित अभ्रक जो होता है वो भी कत्थई रंग का, उसकी लंबाई जो होती है वो तुलनात्मक रूप से पूर्ण विकसित भ्रंगक से कम होती है, लंबाई 3 mm होती है। इसके अतिरिक्त जो खपरा भ्रम है नर जो है वो मादा से छोटा होता है, मादा से छोटा, उसका आकार जो है शरीर का वो मादा से छोटा होता है और मादा का लगभग आधा ही होता है, यानी कि आकार में मादा नर से दोगुनी होती है, या वे ऐसे बोल सकते हैं कि नर मादा से आधे आकार का ही होता है और नर जो है वो मादा से गहरे रंग का होता है। इसके बाद क्षति, खपरा भ्रम जो है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी अवस्था है जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, तो इसमें सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाने का जो कार्य होता है वो भ्रंगक के द्वारा है और इसकी लट, दो जो अवस्थाएं जो होती हैं ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। और मुख्य रूप से क्षति जो है वो अधिकांश फसलों के बीजों को, अधिकांश फसलों नुकसान पहुंचाती है जिनका भंडारण किया जाता है, यानी कि भंडार गृहों में जिस फसल को अपन डालते हैं उनमें से अधिकांश फसल को ये क्षति पहुंचाते हैं। इसकी लट जो होती है, लट जिसको गिडार भी बोलते हैं,
ये फसलों के जो दाने होते हैं उन दानों के अंदर प्रवेश कर इसके गर्भ वाले भाग को, गर्भ वाला जो भाग है उसको खा जाती है, जिससे इन दानों की जो पौष्टिकता होती है, पौष्टिकता में कमी आती है और उगाने की जो क्षमता है, उगने की जो क्षमता होती है वो भी इसकी नष्ट हो जाती है, ये उगाने के लायक नहीं रहते हैं। भंडार ग्रहों के अंदर, भंडार ग्रह जो होते हैं उसके अंदर जो अनाज का ढेर लगा हुआ होता है, ऊपर से 50 सेंटीमीटर की गहराई तक, ऊपर से 50 सेंटीमीटर की गहराई तक ही ये नुकसान पहुंचाता है, इससे आगे ये दानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस प्रकार से खपरा भरण जो है उसका क्लासिफिकेशन, उसके लक्षण और उसके बाद में इसकी क्षति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।